लालच, लोभ और हवस जिसकी कोई हद नहीं, इसी बीच फंसी एक प्रेम कहानी क्या कहीं गुम होकर रह जाएगी? हेलो मूवी स्ट्राइक फैमिली, वेलकम बैक। आज की पेशकश में है साउथ कोरियन मूवी एम्पायर ऑफ लस्ट। डायरेक्टर है आन सांग होन और आईएमडीबी रेटिंग 6 है। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे चैनल पे अभी गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें 3 लकी विनर्स होंगे जिन्हें वर्थ ₹2000 ईच का गिफ्ट मिलेगा। डू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। गिव अवे वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पक्के से चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। आर इंस्टाग्राम हैंडल आईडी इज movies_tribe, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये उस दौर की कहानी है जब जोसन राज्य की स्थापना हुए कुछ एक साल जैसे ही हुए थे। अब नए साम्राज्य होने की वजह से कई तरह की मुश्किलें भी हैं, बाहरी आक्रमणकारियों से खतरे के अलावा भी राज्य के मंत्रियों में मतभेद चल रहे हैं। सभा दो गुटों में बटा है। एक तरफ वरिष्ठ मंत्री हियोंग का कहना है कि राज्य को और मजबूत बनाने के लिए राज्य भर की सभी छोटी बड़ी सेना की टुकड़ी को एकजुट करना होगा, तभी बाहरी आक्रमण का सामना कर पाएंगे। जबकि दूसरे गुट का मानना है कि ऐसा करके हम उस समय सबसे शक्तिशाली चीन साम्राज्य का ध्यान आकर्षित कर उनसे दुश्मनी मोल लेंगे, तभी राज्य के उत्तरी सीमा के घुसपैठियों को पछाड़ कर सेनापति किम दरबार वापस आया। राजा ने उसका अभिनंदन किया और उसके लिए जश्न रखवाया। सेनापति किम और राजा एक दूसरे के समधी भी हैं और साथ ही वरिष्ठ मंत्री का दामाद भी। सेनापति किम के बेटे के साथ राजा की बेटी की शादी हुई है। शाम के जश्न में राजा का 5वां बेटा राजकुमार बांग भी शामिल है। उपयुक्त दावेदार होने के बावजूद राजा ने उसे अगला उत्तराधिकारी नहीं चुना, बल्कि अपने सबसे छोटे बेटे को चुना जो कि अभी महज 10 वर्ष का है, ताकि सत्ते में बूढ़ा राजा ज़्यादा समय तक रह सके, और इस बात से राजकुमार बांग खफा है। उसी जश्न में एक नर्तकी ने अपनी अदाकारी से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, पर सेनापति किम का ध्यान उसके नाच रंग ने खींचा, क्योंकि उसकी माँ की नृत्य शैली भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब वो छोटा था ऐसे ही अपनी माँ को नृत्य करते देखा करता, मुस्कुराता। और फिर एक दिन कुछ बदमाशों ने उसकी माँ को पकड़ लिया। उनसे बचने के लिए उसकी माँ ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी वक्त वरिष्ठ मंत्री हियोंग ने अपने स्वार्थ के लिए ही सही पर उसका हाथ थामा, क्योंकि उसमें एक योद्धा बनने के सारे गुण थे। मंत्री ने सालों उसे प्रशिक्षण देकर उसे सेनापति के पद पर बिठाया, यहाँ तक कि मंत्री ने अपनी बेटी की शादी भी उससे करवाई। किम पूरी जिंदगी युद्ध में लड़ते लड़ते थक चुका है और अब वो विश्राम चाहता है, पर मंत्री हियोंग ऐसा होने नहीं देगा। अपनी माँ की यादों से जब वो बाहर निकला तो देखा उस नर्तकी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। कुछ देर किम ने चुपचाप देखा। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा उसने बीच में आकर उसकी मदद की। इनाम के तौर पर उसे पहली रात उसके साथ गुजारने का प्रस्ताव दिया गया। उसका नाम काही है। वो एक जीसांग है, यानी ऊंचे घरानों के मर्दों के साथ उठना बैठना ही उनका काम है। लेकिन काही बाकियों से अलग है, वो एक स्वाभिमानी औरत है। राज्य भर में सेनापति किम एक निर्दयी और कठोर योद्धा से जाना जाता है, लेकिन उस रात काही की सभी धारणाएं गलत साबित हुई। सेनापति किम ने उसे छुआ तक नहीं। कुछ समय बाद राजा ने पूरे राज्य के छोटे बड़े सेना दल को एक धागे में पिरोकर बड़ी सेना में बदल देने की बात पर सहमति जताई, जिसका अधिकारी बनाया गया सेनापति किम को। राजा ने उसे राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा का भी भार सौंपा। किम को पता है इससे उसके अनेकों दुश्मन पैदा हो जाएंगे। एक रात राज्य का गश्त लगाते हुए उसने काही को पानी में कूदते हुए देखा। तुरंत छलांग लगाकर उसने उसकी जान बचाई। ठेकेदार ने बताया कि कोई न कोई अमीरजादा उसके पास आता ही है,
वो किस किस को और कब तक मना करती रहेगी। इससे अच्छा है वो खुद ही यहाँ से चली जाए, वो इस जगह के लिए बनी ही नहीं है। आजकल किम बहुत परेशान रहने लगा है। क्यों उसे रह रहकर काही का ख्याल आ रहा, उसका मन उधेर बुन से गुजर रहा है। दरअसल उसे अपनी बीवी से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उसने मंत्री का कर्ज या एहसान कह लो उतारने के लिए ही उसकी 4 महीने की गर्भवती बेटी से शादी की थी। यानी किम का बेटा उसकी अपनी औलाद नहीं है। इसी सोच सोच में एक दिन काही का खत उसे आया। लिखा है, मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूँ, तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मगर मैं तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारी मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती, इसीलिए हमेशा के लिए जा रही हूँ। खत पढ़ते ही किम बेचैन हो गया और उसे रोकने पहुँचा। इसी के साथ वो हर कश्मकश खत्म हो गई। किम उसे अपने घर ले आया। उसी घर में रहते हैं किम का नकली बेटा जिन और उसकी बहू जो राजा की बेटी भी है। काही और राजा की बेटी हम उम्र है और दोनों ही कविताएं कहानियां का शौक रखती है। पहले दिन ही दोनों अच्छी सहेली बन गई। एक दिन काही ने उसे कहानी सुनाई जो कुछ ऐसी है। एक दिन एक अमीर घराने के लड़के ने गांव की एक भोली भाली खेत में काम करने वाली गरीब लड़की को बहला फुसलाकर खाली कमरे में ले गया और वहां उसका बलात्कार किया। लड़की और उसकी मां ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर एक दिन उसी बदमाश ने घर के अंदर सो रही उसकी मां को लड़की समझकर घर को आग लगा दी। उसकी मां मर गई, लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। उसकी कहानी अभी अधूरी है। कहानी सुनकर राजा की बेटी को बहुत अफसोस दुख हुआ, लेकिन जिन सदके में आ गया, क्योंकि इस कहानी का बदमाश किरदार वो ही है और वो बेचारी गरीब लड़की खुद का ही। जिन ने तो उसे पहचाना ही नहीं था। उसकी खूबसूरती से दंग अय्याश जिन एक बार फिर उसके जिस्म को पाने की चाहत ने उसके मन को ललचाया, मगर इस बार वो बेचारी सहमी पुरानी वाली लड़की नहीं रही, बल्कि एक घायल शेरनी है जो अपना बदला लेने आई है। उसी रात सेनापति किम पर हमला हुआ, वो बाल बाल बचा। राजा तक भी खबर पहुंची। ऐसी गुस्ताखी कोई आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन मंत्री हियोंग और सेनापति किम के दल को पता है कि ये काम किसका है। तुरंत राजा से आज्ञा ली गई कि एक छत्र राष्ट्र सेना का हुक्म जारी किया जाए और सभी के निजी सेना को बर्खास्त कर दिया जाए, यानी अब कोई भी अपनी निजी सेना नहीं रख सकता। जब ये फरमान लेकर सेनापति किम राज दरबार के दूसरे गुट के सरदार राजा के 5वें बेटे राजकुमार बांग के पास पहुंचा और उसकी सेना और घोड़ों को जब्त करना चाहा, तब राजकुमार बांग ने वहीं खड़े खड़े अपने सारे घोड़ों को काट डाला। यानी उसे ये बात कतई मंजूर नहीं। वो एक ऐसा आस्तीन का सांप है जो किसी भी वक्त डस सकता है। दोनों ही गुटों को एक दूसरे की नियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। एक तरफ उन्हें लगता है कि राजकुमार बांग गद्दी की फिराक में है, दूसरे गुट को ये लग रहा है कि एक बड़ी सेना बनाकर सेनापति किम राजा का तख्ता पलटने की साजिश कर रहा है। मगर किम वाकई में इन सब से उब चुका है। उम्र के इस पड़ाव में उसे समझ आ चुका है कि नफरत और बदले में इंसान भटकता रहता है, उसे सुकून नहीं मिलता। इधर किम और काही के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। काही भले ही एक मंसूबा लेकर उसकी ज़िंदगी में आई, लेकिन किम की अच्छाई और सच्चाई उसे अपने मकसद से भटका रही है। बाहर से कठोर किम पहली बार किसी से प्यार कर बैठा। उसने उसे अपना सपना बताया। वह एक ऐसा जहान चाहता है जहाँ सब प्यार से सुकून से खुशी से रहे, जहाँ अंत तक वो उसका हाथ थामे रहे। ये सब सुनकर काही की आंखें भर आई और मन में कहा, मैं इस इंसान को कभी दुखी नहीं देख सकती। जैसे जैसे छोटे राजकुमार का राज्य अभिषेक नज़दीक आ रहा है, माहौल भी गर्म होता जा रहा और दोनों गुटों के सदस्य को अंदेशा है कि उस दिन ज़रूर कुछ होगा। यहाँ मंत्री हियोंग और किम अपनी सेना को पूरी तैयारी में रख रहे, जिससे राज्य अभिषेक में कोई दखल ना पड़े।
वहीं दूसरी तरफ राजकुमार बांग अपने बिछाए हुए जाल को कसने जा रहा है। उसका मोहरा और कोई नहीं बल्कि काही है। हाँ, काही को यहाँ लाना, उसे सेनापति किम के करीब भेजना, ये सब राजकुमार बांग की ही चाल थी। जब से बांग को पता चला कि किम के बेटे ने उसके साथ ऐसा किया है, उसने उसे अपने साथ मिला लिया, जो उसका आखिरी दाव चलेगी, किम के बेटे की असलियत राजा के सामने लाना। मगर आज काही उसे बदली बदली सी लगी। उसकी बातों से झलक रहा कि कुछ भी हो लेकिन किम को इन सब से दूर रखे। पर काही मजबूर है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। अगर काम नहीं हुआ तो वैसे भी राजकुमार बांग उसकी असलियत किम को बता देगा। राज्य अभिषेक वाले दिन बांग के बताए चाल के मुताबिक उसने राजा के दामाद जिन को अकेले में बुलाया, जिसकी फिराक में वो कब से था, और काही के साथ जबरदस्ती करते हुए वो रंगे हाथों पकड़ा गया। यहाँ चौकन्ना सेनापति किम पूरे महल की घेराबंदी करके बैठा है, कहीं से कोई हमला ना कर दे। और ठीक आधी रात हमला हुआ। महल के बाहर दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी। शोर सुनकर राजा चौंक गया। तभी राजकुमार बांग राजा के सामने आया और कहने लगा, मंत्री हियोंग और किम ने महल की किलेबंदी कर हम पे आक्रमण किया है। किम भी फौरन वहां पहुंचा और बताया कि ये सब झूठ है, महल के घेराव महल की सुरक्षा और राज्य अभिषेक में दखल ना पड़े इसीलिए की गई थी। उसके बाद अपना दूसरा मोहरा सामने रखते हुए बांग ने कहा, किम ने बाकी मंत्रियों पे भी आक्रमण किया है, क्योंकि उन्हें किम और आपके दामाद का एक ही लड़की से प्रेम संबंध के बारे में पता चल चुका है, जो कि बहुत घिनौनी और दंडनीय अपराध है। वो इसीलिए सबका मुंह बंद करना चाहता है। सबूत के तौर पे काही और जिन को जो रंगे हाथों पकड़े गए थे राजा के सामने लाए गए। ये देखकर किम के हाथों से तलवार छूटकर जमीन पे आ गिरी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यकीन ही नहीं हो रहा है कि काही ने उसके साथ ऐसा किया। राजा अपनी एकमात्र बेटी के मुंह में उस पे यकीन कर बैठा और उन दोनों को कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन बांग के इस खतरनाक जाल में से किम को बाहर निकालने का एक रास्ता काही ने छोड़ा है, जो कि है खुद राजा की बेटी, जिसे उसी रात एक खत भेजा गया था, अगर तुम उस अधूरी कहानी का अंजाम जानना चाहती हो तो लिखे हुए वक्त और पते पे चली आना। राजकुमारी बांग के भेजे सैनिकों से पहले पहुंचकर अपने पति को काही के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लिया था। काही ने कहा, यही है तुम्हारे पति की सच्चाई, मगर किम इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो बेकसूर है। राजकुमारी समझ गई कि वो अधूरी कहानी उसी की थी। राजा ने सब सुनकर कहा, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरे परिवार का सर शर्म से नीचे कर दिया, लेकिन जैसा मेरी बेटी ने बताया, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने का। तुम्हें उस लड़की को अपने हाथों से मारना होगा। मजबूर किम काही को मारने पहुंचा। उससे पहले उसने उसके साथ ये सब करने की वजह पूछी। काही ने सब सच सच पूरी बात बता दी। माँ के बदले के लिए मैं ये 100 बार भी करूँगी, जिसकी सुनवाई किसी ने नहीं सुनी, तो मैंने खुद अपनी सुनवाई की है। किम को उसकी माँ को खोने का दर्द अपने दर्द जैसा लगा। जिस तरह उसने बदले की आग में खुद को झोंक दिया था, वही काही ने भी किया। मगर ये भी सच है कि अगर उसने राजकुमारी को वक्त रहते वहाँ ना बुलाया होता तो वो भी नहीं बच पाता। उसके पास अपने बेगुनाही साबित के कोई सबूत नहीं थे। उसने काही को गले से लगा लिया। बहुत मान लिए दूसरों के आदेश, अब जो सही लगेगा वो वही करेगा, और दोनों वहाँ से भाग गए। इसकी सूचना सबसे पहले राजकुमार बांग ने राजा को दी। राजा सुनकर हक्का बक्का रह गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, यानी अब राजा बिल्कुल अकेला है और उसे राजकुमार बांग के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसे बचाने के लिए अब किम वहां नहीं है। बांग ने किम और काही दोनों को मारने का फरमान पूरे राज्य में जारी कर दिया। पूरे राज्य की सेना एक तरफ और वो दोनों एक तरफ खड़े हैं। किम अकेले ही लड़ता रहा और अंत में दोनों
पानी में डूब गए। कई दिनों तक लगातार नदी में उनकी लाश की तलाशी की गई, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिले। किम का नाम जॉसन साम्राज्य के इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। अंत में दोनों किम के सपने की तरह वहाँ हैं जहाँ सब साथ है, कोई लड़ाई नहीं, जहाँ खुशियाँ है, प्यार है, सुकून है, और किम काही का हाथ थामे खड़ा है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।